दोस्तों, यह नशा मुक्त भारत पखवाड़ा और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है जो पूरे इंडिया लेवल के सभी स्कूलों में सरकारी प्राइवेट सभी बच्चों के साथ इसे ऑर्गेनाइज़ करना है। आपके सब्जेक्ट टीचर्स क्लास टीचर ने आप तक ये शेयर कर दिया होगा। इसमें आपको एक शपथ प्लेज लेनी है, उसके बाद अपना ई सर्टिफिकेट जनरेट करना है, उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स को शेयर करना है। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयरिंग अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार आती रहेगी ऑल नोटिफिकेशन ऑन के साथ। ये अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से करवा रहा, यहाँ पर प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। ये सर्कुलर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, नशा मुक्त भारत पखवाड़ा, यानी कि जो हमारी नई जनरेशन है वो नशा मुक्त हो, वो किसी तरह के नशे में चूर ना हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नाउ एज ड्यूरिंग दिस पखवाड़ा ऑन 25 एंड 26, यानी कि 25-26 जून को ये इस साल करवाया जा रहा है। और स्पेशली हालांकि नशा मुक्त तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, पूरा भारत हमारा नशा मुक्त हो, लेकिन स्पेशली यहाँ पर क्या है, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th आप सभी को ये करना ज़रूरी है। तो चलिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपके लिए लिंक शेयर किया है, एक लिंक आपको दे रखा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और अपना ई सर्टिफिकेट जनरेट करके डाउनलोड करना है। तो मैं आपको सीधा साइट पे ले चलता हूँ, साइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप वहाँ तक क्लियर आ सकते हैं। तो अभी मैं साइट पे आ चुका हूँ और साइट पे आपको ये वाला लोगो दिखना चाहिए, माय गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार का लोगो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं से यस टू लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को यस कहें, नो टू ड्रग, जो भी ड्रग्स हैं उन्हें आप नो कहें, आपको ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर कि 3-4 आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है और एक ऑप्शन आपको मिलता है शपथ लीजिए टेक प्लेस, और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सिंपल सा मैं प्रोसीजर आपको पूरा क्लियर करूंगा। यहाँ पे आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो एक नया फॉर्म आपके स्क्रीन पे आपको इस तरह से खुलेगा। ये पूरा फॉर्म है, बुनियादी ब्यौरा दर्ज करें, इंटर बेसिक डिटेल, यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना जो भी नाम है वो सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, पिन कोड है, राज्य स्टेट है। तो मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सेम दैट कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़र आएगा कि भैया आप अपने नाम में श्री जोड़ते हैं, SMT जोड़ते हैं, कुमारी जोड़ते हैं। तो अगर आप मेल हैं, बॉयज़ हैं तो श्री पे कर लो, अदरवाइज़ आपको कुमारी पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने मैंने श्री पे कर दिया है। उसके बाद आपको एंटर योर नेम, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं, जो भी आपका नाम है वो पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। मेरा नाम आशीष मडवाल है, मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर, जो भी आपका मेल फीमेल, तो आप मैंने मेल पे टिक कर दिया है, आप फीमेल पे या मेल पे जैसे भी हैं उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको डेट मंथ एंड ईयर यहाँ पर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने स्टेट का पिन कोड, या फिर जिस भी स्टेट और जिस भी जगह पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप
जो भी ईयर है यहाँ पे 2023 आ रहा है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया, उसके बाद पिन कोड डालेंगे, तो पिन कोड डाल दिया यहाँ पर, पिन कोड डालते ही आपका अपने आप ही सर्च हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके स्टेट हैं वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा जो है पिन कोड डालते ही यहाँ पर दिल्ली आ चुका है, दिल्ली के बाद यहाँ पे आपको साउथ दिल्ली, मतलब अपने आप ये इंटर हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पिन कोड सही से डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो ईमेल एड्रेस आप वो वाला डालें जो आपका वर्किंग रहेगा, क्योंकि इस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, मिल जाता है, मतलब कभी आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल नंबर, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से ही आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, और यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि वो आपको ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। तो आप ईमेल एड्रेस को ज़रूर ध्यान से, अपने घर के किसी भी बड़े मेंबर का भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, भाषा के चयन के लिए आगे बढ़े, यानी कि प्रोसीड फॉर लैंग्वेज सेलेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसी के बाद आपका जो है मेन अब फाइल आपकी ओपन होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करते ही आपके थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, और यहाँ पर जो है शपथ पढ़िए, ये शपथ जो है आपको पढ़ना है। आप अपना जो भी लैंग्वेज है उसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज के लिए आ गया है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं फ़िलहाल हिंदी पर कर लेता हूँ ताकि सभी को कॉमन लैंग्वेज समझ में आए। और मैंने जैसे ही इसे हिंदी पर किया है, तो यहाँ पर जो है वो शपथ पढ़िए पे आपको उसके बाद क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे शपथ आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अब आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये शपथ जो है ये अपने आप ही ऑटो जनरेटेड है, और इसे पढ़ लो, ये हिंदी में है, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी, ऊपर मेरे पास एक OTP भी आ गया है। जैसे आप शपथ पढ़ेंगे पे प्रोसीड करेंगे, ऊपर आप देख पा रहे हो OTP आ गया है, जो कि आपको भी अपना संभाल के रखना है। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं में, युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है, और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। एक शपथ आपको लेनी है, और एक अच्छे नागरिक होने का अपना रोल निभाना है। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। मतलब खुद तो आपको नशा नहीं करना है, साथ में आपको जागरूकता भी फैलानी है, यानी कि अपने आसपास पड़ोस में घर परिवार में जो नशा करते हैं उनको आप मोटिवेट करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा जो है वो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए, फैमिली के लिए भी हानिकारक होता है। ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे अथवा स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। ये हिंदी में है, आप इसे इंग्लिश में आप लैंग्वेज लेकर के चूज करके किसी भी तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मैंने शपथ ली, यानी कि आपने शपथ ली है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, आपने शपथ ले ली है। और ये सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि आपको इसे फॉलो भी करना है जो भी आपने पढ़ा है। और अब यहाँ पे आ रहा है इंटर योर OTP, तो OTP मेरे पास पहले आ चुका है, मैं एक बार उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर इंटर OTP डाल दिया है, और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और यानी कि पूरे नाम के साथ यहाँ पे आपका OTP आ गया है, नशे को ना कहें। और आप देख पा रहे होंगे कि जो जो भी मैंने अभी नाम यहाँ पे लिखा है वो नाम यहाँ पर मेरा आ चुका है, और ये ऑटो जनरेटेड होता है, जो कि भारत सरकार द्वारा जो सिस्टम है उससे आपको ये बनाना ही नहीं बल्कि इसे इसी तरह से जनरेट करना है। और इस तरह से आप इसे जो है स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, और इसे आपको यहाँ से डाउनलोड भी करना है। अब आपको तीन चार तरीका यहाँ पर है, प्रमाण पत्र अपने मोबाइल पर भेजें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे प्रमाण पत्र चला जाएगा। शपथ प्रमाण पत्र अपने ईमेल पर, आप ईमेल पर भी भेज सकते हैं, वैसे ईमेल पे आ भी गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप छाप यानी कि प्रिंट डाउनलोड ईमेल, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने फेसबुक पर साझा कर सकते हैं, ट्विटर पर साझा कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, आप मुझे भी ज़रूर अपना अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने सेव